सहारा रेगिस्तान में जीवन कठोर लेकिन आकर्षक है। यहाँ लोग और जानवर दोनों ही विषम परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाते हैं। मानव आबादी, जैसे तुआरेग और बर्बर खानाबदोश, छोटे समुदायों में रहते हैं। जीवित रहने के लिए मरुद्यान, पशुधन और पारंपरिक व्यापार मार्गों पर निर्भर हैं। वे लंबी दूरी तक परिवहन के लिए ऊंटों का उपयोग करते हैं, जिन्हें रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है। गर्मी और शुष्कता के बावजूद सहारा फेनेक लोमड़ियों, ड्रोमेडरी ऊंट, बिच्छू और रेगिस्तानी सरीसृप जैसे लचीले जानवरों का घर है। इन प्राणियों ने पानी बचाने और अत्यधिक तापमान सहने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है। वनस्पति विरल है, लेकिन खजूर और बबूल के पेड़ जैसे पौधे मरुद्यान के पास पनपते हैं। सहारा में जीवन दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में से एक में जीवित रहने के इर्द गिर्द घूमता है।